नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। 1 जुलाई से भारत में जीएसटी लागू होने के बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने कई तरह के टैक्स और सेस बदलाव देखे हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने लग्जरी और एसयूवी कार्स पर सेस भी बढ़ाया। इसके बावजूद ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑटो कंपनी शानदार ऑफर्स लेकर बाजार में मौजूद हैं। हर सेगमेंट की गाड़ियों पर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ओणम के साथ ही भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। दिवाली तक मैन्युफैक्चरर्स की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को इस समय बेचा जा सके, और इस कवायद में ज्यादातर सभी कंपनियां डिस्काउंट ऑफर्स भी बाजार में लेकर आ चुकी हैं। जीएसटी में सेस के बढ़ने के बाद कुछ मैन्युफैक्चरर्स नाराज जरूर नजर आए, लेकिन ऑफर्स के मामले में नाराजगी नजर नहीं आ रही। शुरुआत करते हैं होंडा के साथ, जिसने बाजार में सबसे पहले अपने ऑफर्स का ऐलान किया। होंडा फेस्ट में डिस्काउंट के अलावा लकी ड्रॉ में जीतने पर आपको लास वेगास के स्पेस सेंटर में जाने का मौका भी मिल सकता है। होंडा अपनी सिटी और WRV को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अगर 7-सीटर SUV का मन बना रहे हैं तो BRV पर 1 लाख तक का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। इसके अलावा जैस पर 42,000, अमेज पर 50 और ब्रियो पर 21,200 तक का डिस्काउंट कंपनी कस्टमर्स को ऑफर कर रही है। मारुति की तरफ से भी कुछ अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, वो भी 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन के साथ। मारुति की तरफ से सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिख रहा है शियास डीजल और एर्टिगा पर। शियास डीजल पर 1 लाख तक का डिस्काउंट है, जिसमें 50,000 कैश और 50,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है। बात करें एर्टिगा की तो उस पर 1 लाख तक का डिस्काउंट मौजूद है, और वहीं एस क्रॉस जो कि जल्द ही नए अवतार में नजर आने वाली है, उस पर 80,000 और स्विफ्ट पर 55,000 का डिस्काउंट कंपनी इस वक्त अपने कस्टमर्स को दे रही है। यही नहीं, अगर आप अपने डीलर्स के साथ नेगोशिएट करें तो ये डिस्काउंट और भी बढ़ सकता है। वोट फॉर डैटसन, विनर डैटसन। जी हाँ, ये नाम दिया है डैटसन ने इस बार के फेस्टिव कैंपेन को। डैटसन के पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 गाड़ियां मौजूद हैं, और इन पर आपको 2 ग्राम गोल्ड, इजी EMI और 6,000 तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। फेस्टिवल ऑफर में Hyundai कैसे पीछे रह सकती है? Hyundai फेस्टिवल ऑफर को अपने 7.5 मिलियन कार सेल्स के साथ जोड़ रही है, और 3 गाड़ियों पर बेहद अच्छे ऑफर्स दे रही है, ION, ग्रैंड आइटन और एक्सेंट। ION पर कंपनी आपको 55,000, ग्रैंड आइटन पर 1 लाख और एक्सेंट पर 50,000 तक के बेनिफिट कंपनी दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रही है वो है अपनी SUV Tucson पर, और वो है करीब 1 लाख तक का। महिंद्रा भी इस फेस्टिव रेस में डिस्काउंट के लिहाज से पीछे नहीं है। ज्यादातर सभी मॉडल्स पर अट्रैक्टिव ऑफर्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा ऑफर मौजूद है KUV100 पर करीब 70,000 का, जिसमें 36,000 का कैश और बाकी एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। इसके अलावा महिंद्रा की तरफ से XUV500 पर 65,000, महिंद्रा TUV300 पर 50,000 और बलेरो पर 23,000 तक का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर सभी मैन्युफैक्चरर्स फेस्टिव ऑफर्स के साथ बाजार में उतर चुके हैं। और यही नहीं, उत्तर भारत में नवरात्रों के शुरू होते ही इन डिस्काउंट ऑफर्स में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर ये फेस्टिव सीजन आपकी कार बाइंग के सपने को पूरा कर सकती है, वो भी अच्छे ऑफर्स के साथ। और जिस तरह से ऑटो प्लेयर्स की तरफ से काफी तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स मौजूद हैं मार्केट में, इसको एनालाइज करने के लिए और बातचीत करने के लिए अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्टनर हैं प्राइस वाटर हाउस के, और साथ ही स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टूटू धवन, जो कि ऑटो क्षेत्र के जानकार हैं। धवन साहब, बताइए, आप ये फेस्टिव सीजन में एक तरफ तो हम देख रहे थे पिछले दिनों जिस तरह से GST काउंसिल की तरफ से सेस को लेकर जो सिग्नल्स दिए गए थे, उसके बाद प्लेयर्स पर कुछ दबाव थे, उन्होंने अपनी तरफ से इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी, स्पेसिफिकली लग्जरी और SUV सेगमेंट में। लेकिन ओवरऑल अब फेस्टिव टाइम है तो प्लेयर्स कई तरह के ऑफर्स लेकर आए हैं,
इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और मूड कैसा नजर आ रहा है आपको धवन साहब? जी देखिए, शुरुआत में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है जब ये इतने बड़े बड़े बदलाव आते हैं, गवर्नमेंट लेके आती है, और साथ साथ में थोड़ा सा उसका होमवर्क किया होता है तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है टू अ कंज्यूमर ऑल्सो। बट ये जो अब टैक्सेस के ऊपर हमको डिस्काउंट मिला और फिर उसके बाद फिर से हमारे टैक्सेस लग के और उसके ऊपर वैसे ही प्राइस आ गई या इनफैक्ट कुछ बढ़ भी गई, तो दैट इज डेफिनेटली अ डैम्पनर फॉर द कंज्यूमर। और हालांकि जी ये अब सीजन आ गया है, दिस इज द प्राइम सीजन एक्चुअली फॉर सेल्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। एक जो लास्ट ये सेक्टर है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, इसी में सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं टू एक्चुअली इक्वेट योर ईयरली सेल्स के जो टारगेट्स होते हैं। ओके, आप ये बता सकें, ये जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और उसके तहत हमने देखा इस सेगमेंट में कुछ राहत हुई, उन्होंने प्राइसेस कट किए, कस्टमर्स को पास ऑन करने की कोशिश की, उसके बाद अगस्त एंड सितंबर आते आते हम देख रहे हैं उसमें फिर से रिविजन हुआ, जो नॉर्मली थी उसको दूर किया गया, उन्होंने फिर से रीवर्क किया, फेस्टिव सीजन, ये जो बदलाव हो रहे हैं इसको आप प्लेयर्स के एंगल से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट के अंदर जब ऐसे बदलाव ज़्यादा आने शुरू हो जाए, तो एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग के अभी क्या होने वाला है। अब जो इस वक्त प्राइस कम हुई थी, दे नेवर थॉट कि ये फिर से बढ़ जाएगी, हालांकि जो उनको पता होता कंज्यूमर्स को, तो आई एम श्योर दे वुड हैव बीन अ बिग रश इन द शोरूम्स बिफोर द प्राइस हाइक और हम फिर से अपनी चाहत की गाड़ी ले लें। अच्छा, अब्दुल माजिद साहब ये बताइए, रिटेल सेल्स को पुश करने के लिए जिस तरह की ऑफर्स हैं, आप इनको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम कैश डिस्काउंट्स, कई तरह की डिफरेंट ऑफर्स हैं जो रनिंग हैं, चाहे वो फ्री इंश्योरेंस हो, कुछ एक्सचेंज बोनसेस हो, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हो, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स हो, इसको आप किस तरह से पूरी पिक्चर को इस तरह से हमें देख रहे हैं जो तमाम तरह की डिफरेंट अट्रैक्टिव लुभावनी ऑफर्स मौजूद हैं? एक तो मेरे ख्याल में सितंबर से दिसंबर का मंथ बड़ा क्रिटिकल रहता है ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए, बिकॉज मैक्सिमम सेल इन मंथ में होते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ थोड़े जो मॉडल हैं वो बहुत फास्ट मूविंग मॉडल नहीं है और थोड़े जो मॉडल हैं फास्ट मूविंग मॉडल हैं, तो ऑटो मेकर्स का यही एक कोशिश रहेगी जो फास्ट मूविंग मॉडल नहीं है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए और जितनी भी इन्वेंट्री उनकी है, जो इन्वेंट्री हो सकती है अपने OEM के यार्ड में हो या डीलर के पास हो, सब इन्वेंट्री को जहाँ तक हो सके उसको खाली करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो इन्वेंट्री बच जाती है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल में एक नॉर्मल है। और उसके साथ कस्टमर के सेंटिमेंट में इंडिया में ये है कि अगर फेस्टिवल सीजन में आप डिस्काउंट ना दें तो उसको एक मेरे ख्याल में एक्सेप्शन की तरह कस्टमर मानता है। इसी के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आप देख रहे हैं, या हम पहले भी देखे थे, लेकिन इस साल बिकॉज ऑफ अनसर्टेंटी ये कोशिश हो रही है OEM के तरफ से कि मैक्सिमम कस्टमर को फुटफॉल किया जाए, डीलर के पास उसको खींचे। ओके, धवन साहब ये बताइए कि फिर जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उस फ्रंट पर क्या ऑफर ज़्यादा नहीं है, या उस फ्रंट पर क्या उम्मीद करनी चाहिए अगर कुछ कस्टमर्स इस इंतजार में है कि फेस्टिव सीजन में उसको कैसे अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकते हैं, उस मोर्चे पर क्या हो रहा है? देखिए, जैसे मुजीद साहब ने बताया है कि जो फास्ट मूविंग गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ी सी कम ऑफर्स मिलती हैं जी, दैट्स अ फैक्ट। और जो स्लो मूविंग हैं उनके अंदर थोड़ी सी आप देखेंगे सब गाड़ियों के सब मैन्युफैक्चरर्स अपने बढ़ा देते हैं डिस्काउंट डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड। अब जैसे आप देख रहे हैं किसी गाड़ी पे लाख रुपए का डिस्काउंट है, किसी पे 50,000 का, किसी पे 80,000 का, सो ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन देयर सेल्स वो आपको डिस्काउंट देते हैं। और ऐसा ही आपको फेस्टिव सीजन के अंदर भी मिलेगा, और फेस्टिव सीजन के अंदर कुछ छोटे मोटे और आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, कुछ गिफ्ट मिल जाती हैं, कुछ गुडीज मिल जाती हैं गाड़ी के साथ, विच ऑब्वियसली मींस कि आपको दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय अ व्हीकल। अब्दुल साहब ये बताइए, कॉल किस तरह से लेनी चाहिए, अब व्यूअर्स को कैसे समझाना चाहेंगे? अब ऑफर्स कई तरह की हैं, आगे चलते हुए हम देख रहे हैं जैसे फेस्टिव सीजन और आता है और उसमें और काफ़ी हम एड ऑन भी देख सकते हैं, हो सकता है, तो कॉल जब लें किन पैरामीटर्स को चेक करके फाइनली एक डिसीजन लेना चाहिए? मेरे ख्याल में प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खरीदने के लिए, तो प्राइसिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरी उसके साथ साथ जो दूसरी बातें हैं, एक आपकी फ्यूल एफिशिएंसी है, एक आपकी जो स्टाइल है प्रोडक्ट की स्टाइल है, एक आपकी स्पेस है,
और इसके बाद कंफर्ट जो है और परफॉर्मेंस ओवरऑल, ये सब देखते हुए और प्राइस को देखते हुए कॉल लें, ना कि सिर्फ प्राइस के ऊपर कॉल लें, क्योंकि अगर सिर्फ प्राइस देखेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि गाड़ी आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो आपको उसका ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल एक ऐसा डिसीजन लें उसमें सब फैक्टर करें और आपको प्राइस भी उसको फैक्टर करें, फिर सिर्फ प्राइस मत फैक्टर करें, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। ओके कुछ आपने पिछले सीजन्स के कंपैरिजन में इस बार अगर कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो, कुछ ऐसा डिफरेंट ट्रेंड या कुछ डिफरेंट ऑफर्स या आपने देखा हो, क्योंकि इस समय हमने देखा चेंजेस भी हुए हैं, कुछ आपने स्पेसिफिक ऐसे अब्दुल साहब कुछ एनालाइज किया हो इस बार के ऑफर्स में या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं होता हुआ? एक चीज तो मैं क्लियर देख रहा हूं, एक तो कैश डिस्काउंट है, एक नॉन कैश डिस्काउंट है। पहले मैं देखता था कि कैश डिस्काउंट ज्यादा दिया जाता था, लेकिन इस सीजन में मैं ये देख रहा हूं कि नॉन कैश डिस्काउंट भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, वो जो आप जो भी मेरे ख्याल में फ्री जो सर्विस करेंगे या जो भी करेंगे, सो कैश से नॉन कैश को मेरे ख्याल में OEM खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कैश नहीं देना चाहते, कम से कम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए भी इनकम रहेगी। सो एक अलग ट्रेंड देख रहा हूं मैं इस साल। राइट धवन साहब, एक लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, मतलब इस फेस्टिव सीजन में अगर हम बात करें जनरली एनुअल वॉल्यूम्स में 30% प्लस राउंड अबाउट कह सकते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ आप आंकड़े भी बता सकते हैं, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो समय है प्लेयर्स के लिए भी, और ऐसे में फिर ग्राहकों के लिए भी कई तरह की उसके बीच ऑफर्स रहती हैं। आपका लास्ट वर्ड। जी हाँ, डेफिनेटली ये एक दिस इज एज आई सेड अर्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, जिसके अंदर आपको कस्टमर्स को भी फायदा है और मैन्युफैक्चरर्स को तो ऑब्वियसली एक टारगेट है जो इसके साथ पूरे कर सकते हैं। आप दोनों का शुक्रिया। तो फेस्टिव सीजन के दौरान ये बड़े ऑटो प्लेयर्स की तरफ से कई तरह की ऑफर्स हैं, उनके लिए ये खास समय है, तो उन डिफरेंट ऑफर्स को आप ध्यान से स्टडी करें, एनालाइज करें और उसके बाद एक बेस्ट डील के लिए आप आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।